आज हमने एक अलग ही तरीके से बहुत ही कम मेहनत किए एकदम नरम मुलायम दही बल्ले बनाए हैं। बिना हाथ को तकलीफ दिए एकदम नरम दही बल्ला बनाने का एक सीक्रेट तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है, इसमें हमने अपने हाथ का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं दही बल्ला। एक कप उड़द की दाल को हमने 3 से 4 बार पानी से धो लिया था और पानी डाल के इसे 4 घंटे तक भिगो के रखा था और दाल बहुत ही अच्छे से भीग गई है। दाल का पानी जो है ये सब स्ट्रेनर में डाल के निकाल लेते हैं। इस तरह से दाल को हमने एक स्ट्रेनर में डाल के पानी सब निकाल लिया है। दाल को हम मिक्सर जार में डाल के एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसे हम 2 बेज में पीसेंगे, आधी हमने मिक्सर जार में डाल दिया है। इसे क्रश कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है, 2 टेबलस्पून जितना पानी हमने डाला है। वापस इसे क्रश करेंगे। दाल को हमें ज्यादा देर तक पीसना है ताकि इसमें हवा भरे और वड़ा जो है वो एकदम सॉफ्ट बने। दाल को हमने एकदम अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ पेस्ट बन गई है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दाल को पीस लेते हैं। इस तरह से ज्यादा देर तक पीसने से बैटर एकदम फ्लफी बनता है। इसे ढक्कन लगा के आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। आधा घंटा हो चुका है। एकदम नरम मुलायम दही भल्ला बनाने के लिए बैटर को हमें हाथ से कम 8 से 10 मिनट तक फेंटना पड़ता है और इसमें बहुत ही मेहनत लग जाती है और हमारे हाथों की भी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तो आज हम बिना मेहनत किए बैटर को किस तरह से फेंटना है ये आपको बताएंगे। बैटर को फेंटने के लिए ये बीट करने का मशीन हमने लिया है, जिसे हम केक का बैटर बनाते हैं या आइसक्रीम को बीट करते हैं, ये वही मशीन है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इस तरह का बलून बीटर आता है, इसे भी आप फैट केक बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपके हाथों की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो बैटर को हम इसे बीट कर लेते हैं थोड़ा। बैटर को हमने 2 मिनट के लिए बीट कर लिया है और आप देख सकते हैं बैटर कितना फूल गया है। इसे हम चेक कर लेंगे। एक बाउल में हमने पानी लिया है, इसके अंदर थोड़ा बैटर डाल के देख लेंगे। आप देख सकते हैं बैटर हमने डाला वो पानी के ऊपर तैर रहा है। इस तरह का बैटर हमें बनाना है। 2 टेबलस्पून किशमिश को हमने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था, ये पानी निकाल देंगे। किशमिश में से पानी निकाल दिया है, ये 2 टेबलस्पून किशमिश डाल देंगे। 2 टेबलस्पून काजू का पीस, 1 टीस्पून नमक या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, 1 टीस्पून रफली कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर को हमें एक ही डायरेक्शन में चला के इसे मिक्स करना है, नहीं बैटर में जो हवा भरी है वो हवा निकल जाएगी और वड़ा सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसके लिए हमें इस तरह से ही इसे मिक्स करना है, या तो फिर आप इस तरह से फेंट के इसे मिक्स कर सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। तेल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेते हैं तेल गरम हुआ है कि नहीं। तेल गरम हो गया है। एक बाउल में हमने पानी ले लिया है, पानी वाला हाथ करके बैटर को हम अंदर डालेंगे गरम तेल में। इस तरह से हाथ में लेके बैटर इस तरह से हम अंदर डाल देंगे। तेल में वड़ा एक साथ में नहीं डालना है, इस तरह से अलग अलग डालना है, नहीं तो एक दूसरे के साथ में चिपक जाएगा। गैस की फ्लेम हमने धीमी रखी है, फ्लेम धीमी रख के ही वड़ा अंदर डालना है और हर बार पानी वाला हाथ करके ही वड़ा हम अंदर डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे वड़ा को फ्राई करेंगे।
थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद इसे चला लेना है। तेज आंच पे वड़ा को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो वड़ा ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तेल अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि वड़ा फूल के कितना बड़ा हो गया है, वड़ा का लाइट गोल्डन कलर हो गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी वड़ा बनता है इस तरह से। ये गर्मा गर्म वड़ा फ्राई किया हुआ भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक टॉप में हमने सादा पानी ले लिया है, इसी के अंदर हम वड़ा फ्राई करके डाल देंगे। ये जो फ्राई किया है ये वड़ा हम पानी के अंदर डाल देंगे। इसी तरह से सारे वड़े फ्राई करके पानी के अंदर डाल देंगे हम। वड़ा को हमने फ्राई करके पानी के अंदर इस तरह से डाल दिया है। इसे आधे घंटे के लिए पानी के अंदर ही रखेंगे ताकि अच्छे से वड़ा सॉफ्ट हो जाए। वड़ा के ऊपर डालने के लिए दही को रेडी कर लेते हैं। 2 कप दही लिया है। दही हमें फ्रेश लेना है, खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें 2 टेबलस्पून पाउडर चीनी डाल देंगे। चीनी को हमने मिक्सर जार में डाल के क्रश कर लिया था। 1/2 टीस्पून नमक। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से अंदर मिला सकते हैं। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। दही को अच्छे से फेंट लेना है। इस तरह से दही को फेंट लेना है। 1 टेबलस्पून चीनी का पाउडर दही में और मिलाएंगे। दही थोड़ा सा हल्का सा मीठा होगा तो अच्छा लगेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वड़ा को हमने 1/2 घंटा पानी में भिगो के रखा था और आप देख सकते हैं वड़ा बहुत ही अच्छा एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम स्पॉन्जी वड़ा बन गया है। इसे हम पानी में से निकाल लेंगे। इस तरह से दबा के पानी निकाल लेंगे। ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो वड़ा टूट जाएगा। पानी में से हमने वड़ा को इस तरह से निकाल लिया है। अभी इसके ऊपर हम दही डालेंगे। वड़ा के ऊपर हमने दही डाल दिया है। दही हमें जितना चाहिए उतना हम डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम खजूर इमली की चटनी डाल सकते हैं, ग्रीन चटनी, हरा धनिया और पुदीने की चटनी हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। और अभी हम इसके ऊपर चटनी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि चटनी वाला हमें पसंद नहीं है। इसके लिए हम इसके ऊपर ये भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा को पहले भून लेना है, फिर इसे क्रश करके इसका पाउडर बना लेना है। ये भुना हुआ जीरा का पाउडर है। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, इसे ऊपर डालेंगे। इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे ऊपर। काला नमक लिया है, ये ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ब्लैक सॉल्ट, इसे हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही ऊपर डालेंगे, 2 चुटकी जितना। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर डाल देंगे। बहुत ही कम मेहनत में दही बल्ले रेडी हो गए। दही बल्ला बनाने का मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।